ओबीसी के पास, दलित के पास, पिछड़ों के पास, महिलाओं के पास सिर्फ एक हथियार है, वो है आपका वोट। अपने वोट का सही उपयोग करिए। घर वापसी करते हो, जिन लोगों की घर वापसी हुई है उनसे पूछो तो सही, तुम कौन से जात में आए हो, दूसरे धर्म से अपने धर्म में वापस आए हो, तुम्हारी तुम्हें जाति कौन सी मिली है, क्या तुम अगड़ी में आए। हमें हर घर में से एक ललिता, एक राजेश, एक अनिल, एक रतनलाल, एक सुभाषनी को बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि हम जो बहुजन समाज है उसको एक कर सके। किसी की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो। हमारे देश में इतने समर्पित और ऐसे ऐसे विज्ञानी लोग हैं जो इतनी ऊर्जा रखते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। धर्म पे बांटा जा रहा है, जाति पर बांटा जा रहा है। धर्म पे तो चलिए 10 साल इन्होंने हमको बांट ही दिया है, हिंदू मुसलमान जगह जगह हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं सुभाषिनी शरद यादव, कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले, मंडल मसीहा के नाम से जाने वाले शरद यादव जी की गौरवान्वित पुत्री। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि आज अपनी पार्टी जो माँ समान होती है, आइडियोलॉजी मेरी मेरे पिता से मैंने ली है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी आइडियोलॉजी को मैं आगे अपनी पार्टी में लेकर जाऊँ, लेकिन पार्टी मेरे लिए माँ समान है। और वहीं आज इस पार्टी में सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे को उठता हुआ देख और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण अंग जो इस देश का है उसको उठता हुआ देख, मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ। आज जहाँ हम खड़े हैं, कुछ दिनों बाद हम देश में अपनी एक नई सरकार चुनने जा रहे हैं, उसका आगाज यहाँ आज इस सम्मेलन से किया गया था हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा। उन्होंने मोटी मोटी सारी बातें तो आप लोगों के बीच रख दी थी, उनको दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो एक अकेला आदमी, एक अकेला जननायक है जो इस देश में मजबूती से खड़ा हुआ है सामाजिक न्याय के साथ और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। और ये हम जैसे कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले लोगों का फर्ज बनता है कि उनकी बातों को हम जनता तक, जनता के बीच में ले जाने का काम करें। सदियों से इतिहास रहा है हमारे देश का जहाँ हमने सिर्फ गुलामी सही है। हमारा देश 70 साल से नहीं, न जाने कितने सालों से गुलाम रहा है और वही गुलामी हमारे खून में नहीं, हमारे हड्डियों में बस चुकी है। आज जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम उस न्याय की बात करते हैं जो उस 90%, यहाँ पर बात चल रही थी 50%, 50% नहीं है, 90% जो हमारी देश की आबादी है वो आज शोषित है, वंचित है और अपने हकों से बहुत दूर खड़ी है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो, न्याय पत्र निकाला है, क्या है ये न्याय पत्र? ये न्याय पत्र वो है जो बहुजन की बात करता है, जो शूद्रों की बात करता है, जो ओबीसी की बात करता है, एससी एसटी दलित माइनॉरिटी महिलाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री रोज सुबह अखबार की जगह न्याय पत्र को पढ़कर निकलते हैं और न्याय पत्र को पढ़ तो रहे हैं, रोज अच्छे से पढ़ रहे हैं। शायद हमारे पार्टी में भी लोगों ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा इसको जितना प्रधानमंत्री जी पढ़कर रोज सुबह निकलकर इसमें से ऐसी ऐसी बातें छाट रहे हैं जिसको झूठ की तरह वो लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सके, जो 10 साल से चल रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ रही है, जनता जागरूक है, जनता देख रही है कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है,
शोषण की बात नहीं हो रही है, मणिपुर की बात नहीं हो रही है, तमिलनाडु की बात नहीं हो रही है, कश्मीर की बात नहीं हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र में महालक्ष्मी की बात करी गई है, जहां पे देश की जो आधी आबादी है महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए दिया जाएगा। उसका कारण क्या है 1,00,000 रुपए देने का? लोग कहते हैं कि मुफ्त में मिल रहा है, क्या होगा, ये बहुत ही घातक होगा। मुफ्त में नहीं मिल रहा है, जो 10 साल में देश को पीछे ढकेल दिया गया है। एक औरत ही है, एक माँ ही है, जो अब उस व्यवस्था से उभारने का काम करेगी, और जब तक हम उसके हाथ मजबूत नहीं करेंगे, तो जो 10 साल में हमारे देश ने सहा है, हमारे समाज ने सहा है, हमारे घर परिवार ने सहा है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ये जच नहीं रही है। क्यों नहीं जच रही है? कहाँ गया वो 2 करोड़ का वादा? 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। आज हमारा देश का युवा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इससे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा है? और उसमें भी वो ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। धर्म पे बांटा जा रहा है, जाति पर बांटा जा रहा है। धर्म पे तो चलिए 10 साल इन्होंने हमको बांट ही दिया है, हिंदू मुसलमान जगह जगह हो रहा है। मेरा 7 साल का बेटा है, अभी कुछ दिनों पहले ईद थी, मैं उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई, मैं खुद गाड़ी चला रही थी, मेरे बगल में वो बैठा था। वहां आइसक्रीम के ठेले के पास कुछ मुसलमान भाई थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका परिवार आइसक्रीम खा रहा था। मेरे बेटे ने जिस परिवार से, जिस घर में धर्म को लेकर, जाति को लेकर कोई बात ही नहीं होती हो, जहां पर न्याय की बात होती हो, उसने कहा कि मम्मी मैं यहां से आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ। मेरा बेटा मात्र 7 साल का है। मैंने उससे पूछने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगा मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जो आज मेरा बच्चा वहां से आइसक्रीम नहीं खरीदना चाह रहा, क्योंकि उसने कहा यहां पर ये आतंकवादी खड़े हैं। उसके अंदर इतना साहस था कि ये शब्द वो बोल सकता था, एक 7 साल का बच्चा, कि उसने टोपी पहनी हुई तो आतंकवादी है। किसने ये धारणा फैलाई? मैं अपनी परवरिश को नहीं कोसती हूँ, मैं उस चीज को कोसती हूँ जो आज हर जगह सोसाइटी में फैलाई जा रही है, समाज में फैलाई जा रही है नफरत, जिसकी वजह से हमारे आने वाली जनरेशन इस चीज का सामना करने वाली है। हम जैसे जागरूक लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी चीजों से बचाए। ये तो मेरे घर का उदाहरण है जहां पर ये चीजें नहीं होती, ऐसे न जाने कितने घर होंगे जहां पर ये नफरत की आग लगी हुई है। इन्होंने 10 साल धर्म के आधार पर बांटा। आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये आप तय करिए, क्या आप जात के नाम पे बटना चाहेंगे? जो इस देश में हजारों सालों से हमने गुलामी सही है जाति व्यवस्था की, अंतिम पायदान से खड़े होकर ऊपर तक देख लीजिए। आज अमीरी और गरीबी की बात होती है, अमीर है और गरीब है, प्रधानमंत्री जी कहते बिल्कुल है, लेकिन क्या किसी अमीर घर में आप किसी बढ़ई को देखेंगे, किसी लुहार को देखेंगे, किसी कुर्मी को देखेंगे? क्या आप किसी दलित को अमीर देख सकते हैं? ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। लेकिन ये ही हम मुद्दा लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में हैं। मुट्ठी भर लोग हैं भाइयों बहनों, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। इस मुट्ठी को खोलने की जरूरत है। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई, उस दिन आप देखेंगे कि इस देश की जो बहुजन जनसंख्या है, जो 90% जनसंख्या, कितनी वंचित है और कितनी शोषित है। ये हमारा फर्ज बनता है कि इस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े रहे। हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने ऐसे बड़े बड़े महानायक देखे, गुरु नानक देखा है, कबीर देखा है, महात्मा फुले देखा है, महात्मा गांधी देखा है, B.R. अंबेडकर देखा है। ये देश उनका है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उसी कड़ी में अभी की जनरेशन ने शरद यादव को देखा है, मुलायम सिंह यादव को देखा है, मायावती को देखा है और लालू यादव को देखा है, जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का झंडा इस देश में बुलंद करने का काम किया। हमारा क्या फर्ज बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया? कबीर क्या कहते थे? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। किसी की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान देखो। हमारे देश में इतने समर्पित
और ऐसे ऐसे विज्ञानी लोग हैं जो इतनी ऊर्जा रखते हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। क्या कहा था कबीर ने, जीनी जीनी बीनी चदरिया, जतन से ओढ़ी चदरिया। दास कबीर ने ये बात कही थी। क्या मतलब है इसका कि जो भगवान ने, परमात्मा ने हमें शरीर दिया है इतने कष्टों के बाद, हमारी माँ ने हमें पैदा करने का काम किया है, वो ऐसा तपे कि जब हम लोग इस दुनिया से मोक्ष पाए, इस दुनिया छोड़ कर जाए, तो कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सके। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश से निकले हैं। गुरु नानक ने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करी थी जिसके अंदर ऊंच नीच ना हो, एक अलग मजहब बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन आज क्या हाल है माइनॉरिटीज का, कोई पूछे? माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज में सब ऐसे धर्म हैं जिनको दरकिनार किया गया है। ये हमारा अधिकार है कि हम ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चले, ये हम लोगों की परवरिश है। मुगलों ने हम पर राज किया, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हम लोग गुलाम रहे। अंग्रेजों से हमने क्या सीखा? 150 साल अंग्रेज हम पर राज करके गए, हमसे तो अच्छे वही थे कि व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में जो मार्टिन लूथर किंग का रेवोल्यूशन था अमेरिका में, उनके अंदर इतना साहस था कि वो एक ब्लैक को राष्ट्रपति बना के चले गए। क्या हमारे देश में हम कोई दलित ओबीसी को प्रधानमंत्री देख सकते हैं? और देखते भी है आदिवासी को, तो उनका कोई रोल नहीं है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है। कैसा समय आ गया है जब वेस्टर्न सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ सकती है, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इतने बड़े संघर्ष को, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों को अपनी बाहें फैलानी होगी। मैं यहां पर आप सभी लोग बैठे हैं यहां पर, सबको कहना चाहूंगी कि जो ये समाज है 90% ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, ये बहुत सीधे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं, सीधा बोलते हैं, सच बोलते हैं। इनको अपनाने की जरूरत है, खुली बाहें फैलाने की। ये लाचार है, बेबस है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या यहाँ जवाहर वन में अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। भाई धर्मेंद्र यहाँ बैठे हैं, बुलंदी से ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम करते, पर अकेले धर्मेंद्र से काम नहीं चलेगा। हमें हर घर में से एक ललिता, एक राजेश, एक अनिल, एक रतनलाल, एक सुभाषनी को बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि हम जो बहुजन समाज है उसको एक कर सके और उसको हमारे पार्टी का व्यू, विजन बता सके। राजेश सर आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम घर में बैठते हैं, बर्तन रखते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं बर्तन से खाने को परोसने के लिए? चम्मच या चमचा? चम्मच, चमचा वो अभी है सर, बट हमें चाहिए चम्मच, सकारात्मक चम्मच, जो बर्तन को खाली करने का काम नहीं करे, जो हमारे घर में थाली है उसमें खाना परोसने का काम करे। हमारी पार्टी में उस चीज की कमी है। हमें ऐसे चमचे नहीं चाहिए जो बर्तन को खाली करने का काम करे। वो चमचे निकल चुके हैं सर पार्टी से, लेकिन हम लोगों को ऐसे चम्मच चाहिए जो आम इंसान, किसान, मजदूर की थाली है उसमें खाना भरने का काम करे। और ये चम्मच सर हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे लोग ही हो सकते हैं, और हम चाहेंगे ऐसे बहुत से लोग हमारी पार्टी से जुड़े जो हमारे घर में, गरीब के घर में 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, उसके घर में अनाज भरने का काम करें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बातें थी जो मैं सोच के आई थी कि हम बात करेंगे जातिगत जनगणना की। बिल्कुल, हमारे नेताओं ने और इससे पहले जो पैनल था वो जातिगत जनगणना पर बात करके जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से सिर्फ पिछड़ों की, दलित की, आदिवासियों की जनसंख्या नहीं पता चलेगी, अगड़ों की भी पता चलेगी, महिलाओं की भी पता चलेगी, हर धर्म की पता चलेगी। 3 मुद्दे जो मैंने करीबी से देखे हैं अपने घर में, मंडल कमीशन, महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना। प्रोफेसर साहब तो बहुत करीबी से जानते होंगे, इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका हम जल्द विमोचन करेंगे, कि किस तरह से ये अकबर रोड और तुगलक रोड से निकली हुई धारा थी जो देश के संसद तक पहुंचने का जिसने काम किया। एक ही आदमी क्यों, ये हम सबकी जिम्मेदारी पहुंचती बनती है
कि जो महिला आरक्षण भी मिल रहा है, जो जुमला फेंका गया है, वो पूरी तरह नहीं मिल रहा है हमको। उसमें बहुजन शामिल नहीं है बहनों, उसमें आप जैसी मेरी जैसी महिलाएं नहीं आ सकती है। अंतिम पायदान पर घास काटने वाली, घास छीलने वाली महिलाएं सदन तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जा रहा है। ये फिर से वही हो जाएगा कि मुट्ठी भर लोग सदन में पहुंचने का काम करेंगे, और जिस तरह से हमारा देश गुलाम रहा है, हम फिर से गुलामी सहते रहेंगे। हमें गुलामी नहीं सह रही है, तोड़ो जाति को, मैं कह रही हूं जाति को तोड़ो, जमात बनाओ, कोई ऊंच नीच नहीं। घर वापसी करते हो, जिन लोगों की घर वापसी हुई है उनसे पूछो तो सही, तुम कौन से जात में आए हो, दूसरे धर्म से अपने धर्म में वापस आए हो, तुम्हें जाति कौन सी मिली है, क्या तुम अगड़ी में आए? एक दलित, एक पिछड़ा तो तुम्हें फिर भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन और कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। देश में इतना झूठ फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। एक आदमी अकेला चल रहा है, वो है राहुल गांधी, जो कई बार मैं देखती हूँ, आज भी मैं उनका भाषण सुन रही थी, या अनिल जी बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे कई बार कहा है कि ऐसा लगता है कि शरद जी बोल रहे हैं। और सच में मुझे ऐसा लगा था कि साक्षात आज पापा बोल रहे हैं मन से, वो सब बातें जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप सब लोग उनको अगर श्रद्धांजलि देंगे तो उनके विचारों को आगे ले जाने का काम करिए। अंत में मैं यहाँ पर एक बात को मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ कांचा सर से। कांचा सर, यू हैव ऑलवेज गाइडेड मी विद गुड थिंग्स एंड हाउ आई कैन पुट थ्रू गुड विजन एंड गुड ओबीसी रिलेटेड इश्यूज इन माय पार्टी, एंड यू हैव रिजन माय वॉइस दैट वे। आई वुड लाइक टू थैंक यू, एंड ओवर हियर आई वुड लाइक टू कोट यू इन योर लास्ट नोट व्हिच यू रोट फॉर माय फादर। You said that he was the most consistent anti-caste ideological OBC leader in the history of Indian parliamentary democracy after Ambedkar. Sir, it is my privilege and honor to receive this from you. Of course, Baba Sahib Ambedkar ne jo hathiyar humko diya hai, wo samvidhan hai, wo vote hai. और वो हथियार देकर हमें चले गए हैं, उस हथियार का उपयोग हमको करना है, और वो अब हमको करना है 2024 में, जो 4 जून के परिणाम में हमारा हथियार ही चलेगा। ओबीसी के पास, दलित के पास, पिछड़ों के पास, महिलाओं के पास सिर्फ एक हथियार है, वो है आपका वोट। अपने वोट का सही उपयोग करिए, एक ऐसा शासन लाइए जो आज अपने देश में, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं क्या वो कहेंगे वो एक शूद्र है, क्या वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर ये कह सकते हैं भाइयों बहनों मैं एक शूद्र हूं? अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं आज ही प्रधानमंत्री जी को मानने का काम करूंगी, और मैं मानूंगी कि मैं एक शूद्र हूं और मेरा प्रधानमंत्री भी शूद्र है, बिल्कुल। और ये आप लोगों को वोट की चोट देनी है 4 जून को, और ऐसा आपको इतिहास रचना है जो राहुल गांधी जी ने 8000 किलोमीटर चल के अपने घुटने गवाकर, वो इंसान फिजियोथेरेपी ले लेकर अपने घुटने गवाकर आपके लिए अकेला चला है। ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनके पैरों को, हाथों को, कंधों को मजबूत करिए, ताकि हम आने वाले जो हमारी नई सरकार बनेगी उसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और जो फिर से मैं कहूँगी, जो अंतिम पायदान पर, अगर आपको देश में सही स्थिति जाननी है ना, एक्सरे की बात हो रही है, तो आज मैं कहती हूँ कि जो बेलदार और जो बनियार है उसकी स्थिति जाकर देखिए, मोदी जी को उनका आईना नजर आ जाएगा। जो देश का बेलदार है, बनियार है, उसकी स्थिति क्या है, वो सच्ची स्थिति दिखाता है, हमारी देश की दर्शाता है। हमें उन लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा बेलदार और नीची जाति से आने वाला वाल्मीकि समाज ऊपर उठने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरी बात को सुना। मैं आप लोगों के बीच रहूंगी, समक्ष रहूंगी, अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।